सो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक डोर माइनक्राफ्ट में। सबसे पहले आपको जैसे दो स्टिकी पिस्टन्स लगाने हैं, उसके बाद कोई भी ब्लॉक लगा देना है, और उसके बाद ऊपर वाले में एक ब्लॉक लगा के नीचे वाले में रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। उसके बाद गाइस, दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर दो स्टिकी पिस्टन्स और लगाने हैं, और उन पर भी ऐसे ही कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो, और उधर भी ऐसे ही सेम रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है नीचे, और ऊपर एक ब्लॉक। इसके बाद आपको गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के थोड़ा से ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे, और इधर से भी ऐसे ही करना पड़ेगा, और गाइस ऐसे डिग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको गाइस यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च के ठीक एक ब्लॉक नीचे यहाँ पर एक और रेडस्टोन टॉर्च लगानी है, और यहाँ पर कोई भी ब्लॉक्स लगा देने हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको रेडस्टोन डस्ट रखनी है और रेडस्टोन टॉर्च। यहाँ पर गाइस दूसरी साइड में भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, रेडस्टोन टॉर्च लगानी है और रेडस्टोन डस्ट रखनी है। और इसके बाद गाइस ये बीच वाले ब्लॉक्स में आपको रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है, और ऊपर से इसे ढक देना है। इस तरह से ढकने के बाद आपको बिल्कुल डोर के एग्जैक्ट सामने दो प्रेशर प्लेट रखनी है, जिससे ये डोर ओपन हो जाता है। और दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही चीज़ करने के लिए दो ब्लॉक्स नीचे तक ऐसे ही फिर से डिग करना है, और दूसरी साइड भी सेम ही चीज़ करनी है, और ऐसे ही आपको बस रेडस्टोन टॉर्च रखनी है और इसे ऊपर से ढक देना है। ढकने के बाद गाइस उधर भी प्रेशर प्लेट्स रखनी है, और आप देख सकते हैं कि मैं डोर के आर पार जा रहा हूं और डोर बंद भी हो रहा है। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।